ऑस्ट्रेलिया सदी की भयंकर बाढ़ में सड़कों और पेड़ों पर घूम रहे मगरमच्छ। ऑस्ट्रेलिया में सदी की सबसे भयानक बाढ़ के कारण नदियों का पानी सड़कों पर आ गया और जिससे उत्तर पूर्वी हिस्से में हजारों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। यह बाढ़ इतनी भयंकर थी कि लोगों को बचाने के लिए सरकार को सेना लगानी पड़ी। अब आलम यह है कि सड़कों और पेड़ों पर मगरमच्छ घूम रहे हैं। अधिकारियों ने अगले कुछ दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में मानसून के समय भारी बारिश होती है, लेकिन हाल ही में हुई बारिश सामान्य स्तर से अधिक है। उत्तर पूर्वी क्वींसलैंड के टाउनसविले शहर में हजारों निवासी बिना बिजली के रह रहे हैं और अगर बारिश जारी रही तो 20,000 से अधिक मकानों के जलमग्न होने का खतरा है। सैन्य कर्मी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। क्वींसलैंड की प्रमुख ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, यह मूल रूप से 20 साल में एक बार नहीं बल्कि 100 साल में एक बार होने वाली घटना है। मौसम विज्ञान ब्यूरो ने बताया कि उत्तरी क्वींसलैंड राज्य के ऊपर धीमी गति से आगे बढ़ रहे मानसून का कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इससे कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। टाउनसविले के निवासी क्रिस ब्रूकहाउस ने कहा, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा।